नमस्कार, मैं ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट हाजीपुर, वैशाली, बिहार, NIUS के DL.ED कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम भाषा और साहित्य विषय पर, जो पाठ्यक्रम 503 के ब्लॉक 1 इकाई 1 से संबद्ध है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हिंदी भाषा और साहित्य के मशहूर विद्वान डॉक्टर निरंजन सहाय, जो काशी विद्यापीठ वाराणसी में के हिंदी विभाग में हिंदी के प्रोफेसर हैं, नमस्कार, उनका स्वागत है और उनसे यह अपेक्षा है कि वे भाषा और साहित्य विषय पर आज की इस चर्चा में भाग लेंगे और विषय विशेषज्ञ के तौर पर अपनी बातों से हमें अवगत कराएंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है जी, निरंजन जी। और इस विषय पर सबसे पहले हम भाषा और साहित्य, ये दोनों तो ऐसा ही मामला है कि किसी को अलग करके देखा नहीं जा सकता, इसलिए भाषा और साहित्य की जो समझ बनती है वो उस तरह की समझ है जिसे एक दूसरे में जुड़ा हुआ ही कहना ज़्यादा उचित होगा। और भाषा शिक्षण और साहित्यिक अभिव्यक्ति के रिश्ता को जानना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम भाषा और साहित्य के शिक्षण से जुड़े लोग हैं और विशेष करके विद्यालयों में किस तरह से हम भाषा और साहित्य का शिक्षण करें। और एक तरह से अभी हम जिस बात की चर्चा यहाँ करेंगे उसमें कहीं ना कहीं से हिंदी शिक्षण केंद्र में रहेगा। तो सबसे पहले हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप भाषा शिक्षण और साहित्यिक अभिव्यक्ति के रिश्ते पर प्रकाश डालें और अपनी बातचीत की शुरुआत इस अभिव्यक्ति से करें जो इस रिश्ते की अभिव्यक्ति है, भाषा शिक्षण और साहित्यिक अभिव्यक्ति का जो रिश्ता है उस पर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। धन्यवाद ज्ञानदेव जी। जीवन जीने के विविध तरीके हैं, तो जैसे जीवन जीने के विविध तरीके हैं वैसे ही साहित्य में अभिव्यक्ति की अलग अलग विधाएं भी हैं। इन विधाओं को हम कविता, नाटक, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग, निबंध, जीवनी आदि रूपों में जान सकते हैं। इन विधाओं को पढ़कर समझना या इन अभिव्यक्ति कौशलों से संपन्न होना भाषा शिक्षण के विविध आयाम हैं। बिल्कुल, जीवन में अभिव्यक्ति के जितने रूप, भाषा में अभिव्यक्ति के जितने रूप, उनमें से अनेक रूपों पर साहित्य की विभिन्न विधाएं आकार लेती हैं। यह अलग बात है कि हर समय में अलग अलग विधाएं महत्वपूर्ण रही हैं। जैसे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास को जब हम उलटते पुलटते हैं तब हमें दिखाई पड़ता है कि साहित्य में अभिव्यक्ति की जो मुख्य विधा रही है वह कविता की विधा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कविता की विधा रही है, तो भाषा के जितने प्रयोग हो सकते थे खूब हुए कविताओं में। अभिव्यक्ति के अनेक नए नए प्रयोगों को हर समय ने अपने अपने तरीके से देखा, चाहे वीर गाथा काल में वीर रचनाओं का मसला हो, या जैन साहित्य का मसला हो, या अपभ्रंश साहित्य का मसला हो, या उसी काल में जो बिहार के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं विद्यापति जी, उनकी जी। कविताएं हो, अमीर खुसरो की कविताएं हो, और मध्यकाल में जब हम आते हैं तो भक्तिकाल की अनगूंज तो हमारे जीवन में अभी तक बनी हुई है किसी न किसी रूप में, और रीतिकाल की कविताएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कविता है वह केंद्रीय विधा के रूप में रही है और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के पहले तक अभी भी जो कविता है वह एक विधा के रूप में उपस्थित है। लेकिन इसके साथ ही जो आधुनिक काल है उसने गद्य की दुनिया में प्रवेश किया है और गद्य की नई नई विधाएं आई हैं। और जब हम साहित्य और भाषा के रिश्तों की बात करते हैं तो साहित्य बोध के दो मतलब हो जाते हैं जिनका संबंध प्राथमिक रूप से भाषाई सरोकार से है। पहला, किसी रचना विशेष को पढ़कर उसके भावार्थ को ग्रहण करना, और दूसरा उसके शिल्पगत विशेषताओं जैसे भाषा में निहित शब्द शक्ति, बिंब, प्रतीक, छंद आदि की पहचान करना। बिना इन बातों को समझे साहित्य बोध को पूरी तरह से ग्रहण करना संभव नहीं है। साहित्य बोध भाषिक संसारों को
समृद्ध करने का सशक्त माध्यम है। साहित्य के पठन पाठन से जहाँ विद्यार्थी हजारों नए शब्दों और उनके अर्थों से परिचित होते हैं, वहीं ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर भाषा की जटिल संरचनाओं से परिचित होकर उनके उचित प्रयोग की ओर भी प्रवृत्त होते हैं। साहित्य के प्रति सहज लगाव बच्चों की रचनाशीलता को बढ़ा सकता है। आप देखिए कि जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तो यदि कविता के रूप में सीखते हैं तो उसकी याददाश्त देर तक हमारे जहन में छाई रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना बचपन याद होगा, हम लोगों का बचपन एक ही दौर का बचपन है, उस वक्त हम लोग गणित की मुश्किल अवधारणाओं को भी जन भाषा की कविताओं में बोल बोल कर याद कर लेते थे। तो यह रचनाशीलता को बढ़ाने वाली बात है। हम बहुत सारी चीज़ें, किसानी की बहुत सारी चीज़ें कविता के रूप में लिखी गई और याद रखने की एक परंपरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने सुनाने से बच्चे स्वयं मौलिक लेखन की ओर उन्मुख हो सकते हैं। तो ये सभी जो कार्यकलाप हैं, उनके अभिव्यक्ति में भाषा की उल्लेखनीय भूमिका है। और साहित्य का जब हम संसार समझते हैं तो उसमें ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। उसी तरह एक बात और समझने की ज़रूरत है कि जो आम बोलचाल की भाषा है, हाँ हाँ, मतलब ये हम भी जानना चाहते थे हम सब आपसे कि जो भाषा है उसकी समझ तो पहले से हमारे शिक्षार्थियों को है, और जो आम भाषा है और साहित्य की भाषा, ये दोनों कोई अलग अलग चीज़ हैं या इनमें कोई रिश्ता भी है? ये आम भाषा और साहित्य की भाषा, क्या आम भाषा साहित्य की भाषा नहीं हो सकती, या आम की भाषा साहित्य की भाषा नहीं कही जा सकती? तो हम आपसे ज़रा, यह जो एक अलगाव है साहित्य का विशेष करके कि आम भाषा और साहित्य की भाषा, हो सकता है उसके अपने कुछ आधार हों, उसके कुछ अपने तर्क हों जिससे आप इनकार नहीं कर सकते कि साहित्य की भाषा होने के लिए तो आपको इन इन चीज़ों को स्वीकार करना ही पड़ेगा या इस मानक में अपने आप को फिट करना पड़ेगा। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आम भाषा और साहित्य की भाषा में क्या रिश्ता है। हम यहाँ रिश्ते को जानना चाहेंगे, टकराव जानने से बहुत लाभ हमें होने वाला नहीं, इसलिए आम भाषा और साहित्य की भाषा का जो रिश्ता है, बिल्कुल सही, उसके बारे में हम देखिए, वैसे तो भाषा हर रूप में सार्थक है जी, चाहे वो आम बोलचाल की भाषा हो या साहित्य की भाषा हो या विज्ञान की भाषा हो, किसी भी विषय की भाषा हो। सुनकर दूसरे की बात समझने में, बोलकर अपनी बात समझने में या पढ़ने में, हर जगह भाषा का रूप सार्थक है। लेकिन साहित्य में भाषा का जो रूप हमारे सामने आता है वह सचमुच अनोखा है। कविता, कहानी, नाटक आदि में भाषा की जो छवि देखने को मिलती है, उसका विश्लेषण भाषा वैज्ञानिकों के लिए सदा एक चुनौती रहा है। क्योंकि जब तक आप कुछ मानदंड बनाते हैं और कुछ विधियां खोज निकालते हैं, रचनाकार एक नई चुनौती आपके सामने प्रस्तुत कर देता है कि इन रचनाओं के पाठ की कौन सी आपके पास तकनीक है। रचनाकार हमेशा आलोचना से आगे रहता है, और आलोचक के सामने या भाषा विश्लेषक के सामने या कविता के पाठक के सामने या कविता के जो श्रोता हैं या साहित्य के जो पाठक और श्रोता हैं, उनके सामने एक चुनौती बनी रहती है कि जो एक नया रूप सामने आया है उसको किस तरह से समझा जाए। साहित्य में प्रयुक्त भाषा का ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर जब हम विश्लेषण करते हैं, तब पता चलता है कि आम भाषा और साहित्य की भाषा में बहुत अंतर है, जो आपने सवाल किया था। देखिए, वे कौन से अंतर हैं उनको देखना दिलचस्प है। साहित्य की भाषा में भाषा संबंधी कुछ कलात्मक उपकरणों का संयोजन होता है। जैसे कविता की ही बात आप लीजिए, तो कविता में उपमा, रूपक जैसे अनेक अलंकार हो सकते हैं। प्राचीन कविताओं की जब हम बात करते हैं तो छंदबद्धता उनका महत्वपूर्ण गुण था। उसमें एक ध्वनि की खूबसूरती होती थी, जिसे शब्दावली जिसके लिए दी गई है रणनात्मकता, रणनात्मक ध्वनियाँ। कविता की वंशगत विशिष्टता लय है। आज तक कोई भी ऐसी कविता नहीं लिखी गई है जिसमें लय ना हो, इसलिए कहा जाता है कि कविता की वंशगत विशिष्टता लय है। यह अलग बात है कि जो प्राचीन कविता है उसमें लय के साथ छंदोबद्धता भी थी, अनुप्रास भी था, यानी तुक मिलाते थे हम। लेकिन जो आधुनिक कविता आई उसमें लय की मौजूदगी तो बनी रही, लेकिन छंद के बंधन टूटे,
छंद के बंधन टूटे, उसी तरह से जो पंक्तियों को मिलाने की परंपरा थी, ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति में जो तुकांत का जो जी उसका दौर भी छूटा। और इस काल में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी गईं जिनमें इन छंद के बंधनों को तोड़ा गया। बिल्कुल। और निराला ने तो लिखा कि नूपुर के सुरमंद रहें, चरण नजब स्वच्छंद रहें। और एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं छायावाद काल के, सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने युगांत की भूमिका में भी इस बात की ओर हमें ध्यान दिलाया कि किस तरह से छंद के बंधन टूटे हैं। तो और निराला की चर्चा में कर रहा था, उन्होंने तो कहा है कि मनुष्यों की मुक्ति जैसे होती है उसी तरह कविता की मुक्ति, बिल्कुल। और मनुष्यों की मुक्ति के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि कविता की मुक्ति का मतलब होता है कि छंद के बंधन से मुक्ति। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये ध्वनि की बात हम कर रहे थे, साहित्य में जो भाषा की ध्वनि और ये जो अलंकारों की बात थी, और भाषा के सौंदर्य की बात करते समय कविताओं की बात हो रही थी, उसमें कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है बिंब। बिंब क्या है? शब्दों के द्वारा बनाया गया चित्र। जब हम कोई बात कहते हैं, जैसे किसी को कहना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इस बात को इस तरह से कहा जाए कि तुम ओस की बूंद हो या तुम गुलाब का फूल हो, तो जाहिर सी बात है कि कोई ओस की बूंद होता नहीं है, गुलाब का फूल होता नहीं है, लेकिन सुंदरता बताने के लिए हम शब्दों के माध्यम से एक चित्र उभारने की कोशिश करते हैं। साहित्य की दुनिया में, कविता की दुनिया में इसे ही बिंब कहते हैं। तो कविता समझने के लिए बिंब की समझ होना ज़रूरी है। तो जब साहित्य के अंतर्गत भाषा की बात हम करते हैं, तो भाषा की समझ में यह बात भी शामिल है कि उन अवधारणाओं को भी समझा जाए जो विभिन्न विधाओं को समझने के लिए आवश्यक है, जैसे कविता में बिंब। बिंब पर मुझे एक बात याद आई कि जब हम लोगों को बीएड के दौर में हमारे शिक्षक चांद किरण सलूजा जी ने भी ऐसा ही एक वाक्य लिखा श्याम पट पर। उस समय तो ना हरा पट था ना सफ़ेद पट था, 20वीं सदी का अंतिम दशक था वो। तो उन्होंने लिखा कि आकाश में फूल खिले हैं। तो मुझे अभी तक याद है कि आकाश में फूल खिले हैं का लगभग कक्षा के लोगों ने ये अर्थ निकाल लिया कि आकाश में तारे उगाए हैं या आकाश में तारे हैं, क्योंकि वे सब लोग इस प्रक्रिया से गुजर चुके थे जी। लेकिन मैंने उसका फिर प्रयोग अपनी छोटी कक्षाओं में किया जी। तो वहाँ ये फिर कुतूहल का मामला था कि बच्चों ने पूछा कि सर आसमान में फूल कैसे होगा, वहाँ पेड़ कैसे जाएगा जी, मतलब जी। उन्होंने उस बिंब को, तो मुझे लगता है कि ये बिंब भी का भी कुछ रिश्ता पढ़ाई लिखाई की कक्षाओं या समझ के साथ जुड़ा जी, के साथ जुड़ा हुआ है क्या? जी जी, भाषा की कक्षा जब हम खास करके साहित्य जब पढ़ने पढ़ाने की बात जी, जी, है और साहित्य और भाषा के रिश्ते को जब समझते हैं, तब ऐसा संभव ही नहीं है कि जो ये पदबंध हैं जो हर विधा के लिए अलग अलग खास तरह से बीज शब्द होते हैं जी जी, बीज पदबंध होते हैं, उनकी समझ बना ली जाए, और न बनाई जाएगी तो फिर वो समझ नहीं आ पाएगी जो उदाहरण आप दे रहे थे। तो कविता में जब बिंब की समझ होगी तभी जाकर कविता समझ में आएगी। बिंब का मतलब होता है शब्द निर्मित चित्र जी जी, और बिंबों जी, का जब बार बार प्रयोग करते हैं तो वह बिंब जो है प्रतीक में रूपांतरित हो जाता जी, है जी, जी। जैसे तुलसीदास की कविताओं में चातक बिंब है, राम की महिमा के प्रेम में जो मतवाले लोग हैं उनको सदा राम की प्यास बनी रहती है, और तुलसी इस बिंब को चातक के रूप से प्रकट करते हैं। क्या बात। कहानी और नाटक की जब हम बात करते हैं तब नाटक में संवाद की बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है, उसी तरह से इन विधाओं में यानी कहानी और नाटक में चरित्रगत विशिष्टता आदि पर चर्चा जरूरी होती है। कविता को समझने के लिए आइए एक उदाहरण देते हैं, कविता में भाषा की समझ बनाने के लिए। निराला की एक बहुत मशहूर कविता है ध्वनि, और इसके आधार पर साहित्य की भाषा के सौंदर्य को हम लोग समझने की कोशिश करें। कविता यह है कि काव्य पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यह जिजीविषा की कविता है, और कविता में जो नाद सौंदर्य है, अब देखिए इन पंक्तियों का जो नाद सौंदर्य है, शब्दों का जिस तरह से प्रयोग किया गया है, शब्दों का सौंदर्य जो है उसमें जिजीविषा है।
जीने की ललक है, उमंग है। वह निराला जैसे श्रेष्ठ कवि की रचना धर्मिता में मौजूद सौंदर्य का उद्घाटन करती है। इसे जब निराला के कठोर संघर्ष से जोड़ते हैं तब सौंदर्य का एक अलग पक्ष उद्घाटित होता है। अच्छा। साहित्य की जब हम बात करते हैं तो साहित्य की भाषा और सौंदर्य का जो रिश्ता है उस पर भी बात आवश्यक रूप से हमें करनी चाहिए जी। तो हम तो चाहेंगे कि आप उस पर भी प्रकाश डालें जो साहित्य की भाषा और सौंदर्य का रिश्ता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और इस पर लगातार बात होनी चाहिए कि साहित्य में सौंदर्य का क्या मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। पुराने जमाने में सौंदर्य के लिए लालित्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। जी। कहा जाता था कि इसमें ललित तत्व है, इसमें लालित्य है, और जिस रचना में लालित्य तत्व नहीं होता था उसे कमतर दर्जे की रचना मानने का रिवाज रहा है। कमतर रचना मानने की परंपरा रही है। तो यह जो लालित्य है, तो यह लालित्य कहाँ है? क्या शब्दों में है, क्या अलंकारों में है, क्या बिंबों में है, या उस रचना में लालित्य की बात है जो इन सबों का समन्वित रूप तो है ही, पर युग को प्रकट करने की जिसमें एक अप्रतिहत संकल्प की बात हो। अब राम पर केशवदास भी लिखते हैं, राम पर तुलसीदास भी लिखते हैं, लेकिन केशवदास को कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है, तुलसी को महाकवि कहा जाता है। जबकि भाषा के मामले में, अलंकार के मामले में, बिंबों की समझ के मामले में केशवदास बड़े कवि हैं। बड़े कवि हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन उनमें क्या ऐसा तत्व है जो कि उन्हें लालित्य तत्व से वंचित कर देता है? उनकी कविता में क्या है ऐसा? तुलसी में कौन सी ऐसी बात है जो उसे लालित्य तत्व से संपन्न कर देती है? तो इसका मतलब यह होता है कि केवल भाषा ही नहीं, केवल शब्दों की समझ, बिंबों और प्रतीकों की समझ ही नहीं, उस रचना का युगबोध क्या है, युग धर्म क्या है, उसमें अलंकारों का प्रयोग करते समय कहीं मनमाना प्रयोग तो नहीं किया गया है? जैसे केशवदास बताते हैं अपनी रचना में राम के बारे में कि जब अपनी प्रिया को ढूंढ रहे हैं, राम सीता को अपहरण हो जाने के बाद रावण लेकर चले गए हैं, तो क्या कह रहे हैं कि राम की स्थिति उल्लू जैसी हो गई है। तो अब यह जो बिंब है कि उल्लू और राम, यह जनमानस को स्वीकार नहीं हो सकता है। तो केशवदास यहीं पर चूक गए हैं। वे बिंब के बड़े जानकार हैं लेकिन उनमें युगबोध नहीं है, युग धर्म की पहचान नहीं है, जनमानस में जो एक चरित्र बैठा हुआ है उस चरित्र के स्वरूप की उनको जानकारी नहीं है। तो सौंदर्य पक्ष की जब हम बात करते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। भाषा के अनेक प्रकार हैं जिनकी ओर भाषा शिक्षण के योजनाकारों ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया जी, है। जी, जी। संसार को सामने रखने और कल्पना परकता के चित्रण में साहित्यिक भाषा का जवाब नहीं। साहित्य की भाषा में निहित इन पक्षों को हम सौंदर्य शब्द से विश्लेषित करते हैं, जिसमें कथ्य और शिल्प की विवेचना होती है। किसी भी रचना के दो पक्ष होते हैं, कथ्य और शिल्प। इन दोनों का विवेचन हम सौंदर्य के माध्यम से ही करते हैं। सौंदर्य के भी मानक बदलते रहे हैं। आप देखिए कि प्रेमचंद ने एक बड़ा लेख ही लिखा इस पर, साहित्य का उद्देश्य, और उस निबंध में बताते हैं कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। पुराने तरह का जो सौंदर्य था वह सौंदर्य कहाँ देख रहा था? विशिष्टों में देख रहा था, राजाओं के महलों में देख रहा था, रनिवासों में देख रहा था। निराला ये प्रेमचंद कहते हैं कि हमें सौंदर्य की दृष्टि को खेत की मेड़ तक ले जाना होगा और उस श्रम में ले जाना पड़ेगा जो मजदूर की दुनिया में है। वे कह रहे हैं कि वो जो सौंदर्य है उसके लिए हमारी जो अभ्यस्त आके हैं उनको बदलना होगा और उसको यह समझना पड़ेगा कि सौंदर्य केवल महल में नहीं, उन झोपड़ियों में भी है जहाँ श्रम बसता है। बिल्कुल। तो सौंदर्य के मानक बदलते रहे। रीतिकाल में जो सौंदर्य का मानक था वही सौंदर्य का मानक आधुनिक काल में नहीं रहा, खास करके 1936 के बाद का जो दौर है। एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है एनसीईआरटी का, भारतीय भाषाओं पर आधारित आधार पत्र है। वह हमें कहता है कि पद्य, गद्य और नाटक हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के सौंदर्य परक पहलू को समृद्ध करते हैं। साथ ही यह हमारे पढ़ने और लिखने की क्षमता के स्तर को भी ऊंचा उठाते हैं। जब हम गालिब पढ़ते हैं, जब हम तुलसीदास पढ़ते हैं, जब हम निराला पढ़ते हैं, या जब हम आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं, बेहतरीन कविताएं लिखी जा रही हैं, उनको हम पढ़ते हैं, तब हमें यह दिखाई पड़ता है कि किस तरह से हमारे सौंदर्य के मानक ऊंचा होते हैं और जो अधिगम की दुनिया है उनमें इन रचनाओं के आने से भाषा सौंदर्य की विभिन्न संभावनाओं से संपन्न होने की एक स्थिति बनती है।
भाषा साहित्य हास्य विडंबना पैरोडी और कहावतों को भी शामिल किए रहता है। आप जानते ही हैं कि कहावतें और मुहावरे किसी भाषा की संपन्नता के मानक होते हैं। बिल्कुल। और जब हम साहित्यिक रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें विडंबना और उसमें कहावतें और बहुत सारी ऐसी पंक्तियां होती हैं, और तुलसीदास के यहाँ तो बहुत सारी काव्य पंक्तियां रूपांतरित हो गई मुहावरे में, जैसे का बरसा जब कृषि सुखाने। बिल्कुल। तुलसीदास ने जब ये पंक्ति लिखी थी तब उस पंक्ति में कहावत की संभावना होगी ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन बाद में वो कहावत के रूप में प्रचलित हो गई। तो हमारे दैनिक जीवन के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से की दुनिया है जिसमें साहित्य की मौजूदगी है, और यह स्वायत्त इकाई नहीं होती है। साहित्य कोई स्वायत्त इकाई नहीं है जो सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त हो। जो वो जो आप बात कर रहे थे कि अभी आम भाषा और आपको जी आम भाषा और साहित्य की भाषा के साथ साथ एक द्वंद्व और भी है भाषा को लेके, जो शिक्षार्थियों की ओर से है, मैं तो सिर्फ आप तक उसे पहुंचाने का काम कर रहा हूं, कि कविता की भाषा और गद्य की भाषा में भी कोई फ़र्क है क्या। कई बार होता यह है, विशेष करके हमारे शिक्षक आमतौर पर ये सवाल शिक्षक शिक्षिकाएं पूछते हैं कि सर ये कविता काहे है और ये गद्य क्यों है, इसकी भाषा में भी कोई फ़र्क है क्या। अब उसके मतलब जो प्रस्तुति का तरीका है वो तो समझ में बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन उसका जो भाषिक पक्ष है उसमें मुझे लगता है कि कठिनाई और परेशानी रहती है। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया कविता की भाषा और गद्य की भाषा में जो अंतर है, जो फर्क है, बस उसको मोटे तौर पर कृपया बताने की बताएं। आपसे अभी चर्चा के दरमियान मैंने बातचीत करते हुए यह कहा कि जो हमारा प्राचीन काल है और आधुनिक काल है, तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की जो यात्रा रही मूलतः कविता प्रधान यात्रा रही है, लेकिन जो आधुनिक काल है वो गद्य काल है। जी, तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आज गद्य की प्रधानता है, माने गद्य की प्रधानता भी सभी भाषाओं में है। जी जी, तो कविता की भाषा और गद्य की भाषा में फर्क करना एक मुश्किल काम है, फिर भी यदि ध्यान से देखें तो कुछ अंतरों को पहचानना संभव है। आपसे चर्चा की थी, एक लय बात होती है, कविता में भावना तत्व की प्रधानता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें विचार तत्व नहीं है, है, पर प्रधानता भावना तत्व की होती है। पुरानी कविताओं में छंदबद्धता पर और तुकांत प्रवृत्तियों पर बल दिया गया, जो मैंने आपसे बातचीत की, आधुनिक काल में छंद और तुक के बंधन से कविता मुक्त हुई है। गद्य की भाषा पर मूल बात करने की जरूरत है। गद्य की भाषा में बुद्धि तत्व पर बल होता है, भावना तत्व की भी प्रधानता रहती है लेकिन बुद्धि तत्व पर बल होता है। उसी तरह गद्य में प्रायः अविधा की भाषा होती है, यानी कोशगत अर्थों की भाषा से काम लिया जाता है। कविता की भाषा में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का भी यथोचित उपयोग मिल जाता है। उसी तरह काव्य भाषा में अभिप्रेत अर्थ को कहने के लिए कई बार जीवन जगत के नियमों को शिथिल भी कर दिया जाता है। इसे एक रोचक उदाहरण से समझिए, जैसे मैं सड़क पर चल रहा हूँ, यह एक गद्य वाक्य है, ऐसा जीवन जगत में होता है। पर यदि कहा जाए कि सड़क मुझ पर चल रही है, तब यह सामान्य वाक्य नहीं है। जीवन जगत में किसी व्यक्ति पर कोई सड़क चलती भी नहीं, पर कविता में इसका अर्थ है। इस अर्थ को हम व्यंग्यार्थ से समझते हैं, मतलब हुआ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन की निजता भंग हो रही है और वहाँ सार्वजनिक जीवन का अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है। सड़क एक सार्वजनिक जीवन है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिससे हम कविता और गद्य की भाषा में मोटे तौर पर फर्क कर सकते हैं, मोटे तौर पर। जी जी, जी। और ये विशेषताएँ ऐसी हैं जिनकी आवाजाही होती रहती है एक दूसरे में, लेकिन आमतौर पर जो गद्य की भाषा है उसमें जीवन जगत के जो नियम हैं और व्याकरण के नियम हैं, कविता की भाषा में, गद्य की भाषा में उसे शिथिल नहीं होने देते हैं, पर कविता की भाषा में उनके अलग प्रयोग करके उनमें अनेक अलग अर्थ भरने की कोशिश करते हैं और अपने अभिप्रेत अर्थ को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो ये साहित्य और भाषा के रिश्तों के बारे में हमारी बातचीत थी। जी 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 जी, मतलब भाषा और साहित्य के शिक्षण का जो मामला है या उसका जो एक नज़रिया बनता है इस पाठ्यक्रम के माध्यम से भी, विशेष करके इस पाठ्यक्रम को, उस पर आपने विस्तार से चर्चा की, और कविता और गद्य को लेकर जो एक भ्रम बना रहता है, क्योंकि आधुनिक काल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कविताएं भी लिखते हैं और गद्य भी लिखते हैं और दोनों में उनको महारत हासिल है। पहले हम लोगों ने जैसे
भाषा की प्रवीणता की बात की तो ये ऐसे लोग हैं जो भाषिक रूप से बहुत प्रवीण हैं। आपने बहुत ही सरल और सरस ढंग से हमारे शिक्षार्थियों को यह बताया कि भाषा और साहित्य का रिश्ता क्या है और भाषा और साहित्य के शिक्षण में किन बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, विशेष करके कविता और गद्य या नाटक को लेकर आपने जिन बातों की चर्चा की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस चर्चा के लिए हम सब आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, आपके आभारी हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का NIOS की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।